हम तो वो लोग हैं साहब, जब किसी के बुरे का भी बुरा होता देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। आज हम कभी भी नहीं जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उधर से निकल रहे तो रावण के फूकने की आवाज आ रही थी। हमने देखा वहां पे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी और वो रावण वहां पर उसका पुतला धूं धूं करके जल रहा था। और 2 मिनट के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ में आया, और वो हमें ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहिए। देखिए क्या नहीं था रावण के पास। लोग कहते हैं कि डोली भूमि चला दसकंदर, जब रावण चलता था तो भूमि कांपती थी। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, सब कुछ था उसके पास, सोने की लंका, दुनिया का सबसे बड़ा पंडित था। और आज थोड़ा सा हमें बुरा लगा जब एक्चुअल में आपने देखा हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, हु बाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक अपने सत्य के लिए लड़ रहे थे और एक लड़ रहे थे अपने चरित्र के लिए, अपने घमंड के लिए। चरित्रवान और चरित्रहीन होने में यही फर्क है सर। आपका चित्र, वो लोग कहते नहीं है कि पुराने जमाने में शायरी है, पर नारी पैनी छुरी, जो दूसरे की नारी पर नजर डालता है, धन छीने जवानी हराए और सीधो नरक ले जाए। ये वाला पुराने जमाने के लोग कहावत बोलते थे, जो लोगों की पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो खुद अपना अगर फूके। और कितना पावरफुल आदमी था, 2 मिनट के लिए सोचिए। सबसे बड़ी बात, वो अपने घर में था, अपने सोने की लंका जो उसकी खुद की थी वहां लड़ रहे थे। राम जी के पास क्या था, जंगल में थे, लोगों को इकट्ठा करा, 400 योजन का समुद्र बांधा, उस पर पुल बांधा और पुल बांध के पार करके गया, तब जाके लड़के हरा दिया उसे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल यही है, आपने दुनिया को हु करने का मौका दिया है, दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी अगर आप सही हैं। तो एक आदमी हो, 1000 आदमी हो, 1 लाख आदमी हो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप गलत हैं तो फिर आदमी ऐसे ही खड़े होकर मजाक बनाएगा और सिर्फ वो बाजी। आदमी चिल्ला रहा जब रावण गिरा वहां पे, तो बहुत बिकट तरीके से। हम लोग भारतीय लोग, हम लोग वो लोग हैं जब कोई, और प्रभु राम ने भी यही कहा, प्रभु राम विभीषण जब रावण वहां पे मरा तो लक्ष्मण जी को भी उन्होंने भेजा कि जाओ भाई उसके पास, बाकायदा उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। हम लोग भारतीय लोग हैं, सभी को भावनाओं की, जो बहुत बुरा भी होता है, हम लोगों के परिवार में अगर कोई बहुत बुरा भी होता है तब भी हम लोग यही सोचते हैं, अरे यार इसके साथ बुरा हो रहा, चलो इसकी मदद कर दो। तो यही देख रहा था, हजारों की भीड़ थी, एक आदमी। लेकिन आखिरी में भी ये भी एक पावर कही जाएगी। लोग कहते नहीं कि जो काम करो फिर ऐसा करो कि लोग देखें, इतना पावरफुल आदमी जिसे मरते हुए देखने के लिए भी लोग जो है कितने सारे हजारों लोग देखने आ रहे हैं, बहुत भीड़। जबकि आज बारिश थी, बिल्कुल सन्नाटा था शुरुआत में, लेकिन जिस समय रावण काम देख रहे थे भीड़ ही भीड़ है, लोग चिल्ला रहे हैं प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। वो श्री राम की नहीं, वो सत्य की जय है। जो आदमी सच है उसका कभी कोई कुछ नहीं कर सकता है, और जो आदमी झूठी है, झूठ का सहारा ले रहा है, घमंडी है, अहंकारी है, दूसरे के धन, दूसरे की नारी, दूसरे इन सब पे नजर रखता है, जो मेहनत का नहीं कमाना चाहता, मेहनत से काम नहीं करना चाहता है, घमंड दिखाना चाहता है, वो जिंदगी में सर फिर आप मौका दे रहे हैं दुनिया को। और हम तो यही सोचते रहे, लोग वहां पे हुआ आज ही कर, हम बस यही देख रहे थे कि ये दुनिया है जो हर समय मजा लेने आती है। सामने एक आदमी मर रहा और लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जय। उम्मीद करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। और बाकी कुछ तो सीखिए, दशहरा है, ठीक है, अभी कुछ लोगों ने कल दशहरा मनाया होगा, कुछ ने आज मनाया होगा, लेकिन ओवरऑल बात यही है, कुछ सीखिए, खाली बस हु बाजी मत करके चले आइए, पराई बेइज्जती देखकर हैरान ना हो, आपकी भी हो सकती है परेशान ना हो, कुछ सीखिए, केवल भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, कुछ सीखना है। मन किया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्या हुआ आखिरी में, पूरी दुनिया खड़े होकर हंस रही है। तो ऐसे काम मत करिए जिंदगी में कि लोग खड़े होकर आप पे हंसें। हालांकि आप जब कुछ अच्छा करने जाएंगे तब भी लोग खिलाफ होंगे, लेकिन अपने आप से पूछिए क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। सचिव मतलब आपका जो मैनेजर है, वैद्य मतलब जो आपका डॉक्टर है, गुरु मतलब जो आपका टीचर है, प्रिय बोलें भय आस, आपके अगर प्रेम के, आपके डर के कारण जो है वो अच्छा अच्छा बोलना है, भय आस का मतलब भय मतलब डर के कारण आपका अच्छा बोलना है, तो फिर आपका राज मतलब आपका राज धर्म और तन, क्योंकि जब डॉक्टर तो डॉक्टर नहीं तो तन खराब हो जाएगा, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीना, सब कुछ आपका नाश संभव है। क्यों? क्योंकि जो आपको प्रिय हैं, जो आपको राय देने वाले लोग हैं, आपका मैनेजर है, सचिव है, वैद्य है, गुरु है, ये सभी आपके डर के कारण। रावण के केस में कुछ ऐसा ही था, उसने सुना ही नहीं,
उसके डर के कारण सब कहते रहे सर बहुत बढ़िया हो। जिन्होंने समझाने की कोशिश की उसने लात मारी। जो दूत वापस आए रावण को उन्होंने बताया कि भैया वापस कर दो, लात मारी उसके। हनुमान जी ने समझाया, उनकी पूंछ में आग लगा दी। मंदोदरी ने समझाया, उन्हें हड़का दिया। विभीषण ने समझाया, उनके लात मारी। अस्त कही कीन ऐसी चरण प्रहारा, चरण मतलब लात से प्रहार किया। और फिर उन्होंने भी कहा विभीषण जी ने, कोई बात नहीं राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सॉरी अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, लेकिन एक्चुअल में यही है कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम पे तो भले ही इस तरीके से है कुछ चौपाई कि उन्होंने भले ही तुमने जो है हमारे लात मार दी है, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन अब हम भी जाकर राम राम करेंगे। तो आपको दुनिया छोड़ के धीरे धीरे करके जाएगी अगर आप गलत हैं सर, और अगर आप सही हैं तो कोई टेंशन नहीं है। फिर तो यही है बस अपने काम को लगातार करते रहिए, मेहनत से करिए, शिद्दत से करिए, बस कोशिश करिए कभी भी दूसरे अपने काम से दूसरे को नुकसान मत पहुंचाइए। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आप, लगातार करेंगे तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। इंतजार करना पड़ता है सर। अभी एक आदमी ने हमें आज चैनल दिखाया यूट्यूब पर, उसके 37 सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा शेयर कर दीजिए, हमने कोई फायदा नहीं होगा, इंतजार कीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं इस चैनल पे एक साल के बाद आपको दिखेगा। तो काम करिए ना सर, मौका मत दीजिए सर। लगाएंगे यहाँ पे क्लिप, थोड़ी सी देखिएगा। चलिए सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से अच्छाई की बुराई पे हमेशा जीत होती रहे, बस यही मनोकामना है, यही सबके लिए शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।